डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू आवर ग्रामर क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों एडवर्ब्स के बारे में। एज वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट डिग्री एडवर्ब्स, वी हैव सीन अबाउट सम एडजंक्ट्स जिनके अंदर हमने टाइम और प्लेस के एडजंक्ट्स को डिस्कस करा था। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स है उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से जैसा कि हम समझते हैं कोई चीज कितने समय बाद रिपीट होती है उसको अपन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दोस्तों ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको अपन दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिनका जो फ्रीक्वेंसी होने का क्रम है, ऑर्डर है, वो बिल्कुल रेगुलर है, जिनमें जो फ्रीक्वेंसी है वो एक फिक्स टाइम के बाद होती है, दैट इज व्हाई रेगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर इररेगुलर फ्रीक्वेंसी। रेगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर जैसे अपन ये कह सकते हैं वंस या ट्वाइस इस टाइप से, तो ये फिक्स है कि हाँ भाई ये इस तरह से होती है। कई बार इनके अंदर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज के द्वारा और भी ज्यादा फिक्स कर सकते हैं, जैसे एवरी मंडे। ये हालांकि एक एडजंक्ट के बजाय प्रीपोजिशनल फ्रेज है लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आता है। इनसे कहीं ज्यादा काम में आने वाली, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली जो फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब्स हैं वो इररेगुलर है। इररेगुलर होने का मतलब ये है कि उसके अंदर हम ये नहीं बता सकते कि टाइम जो स्पेन है वो फिक्स नहीं है। जैसे इसके अंदर अपन देखें ऑलवेज, जो सबसे कॉमन यूजेज में से एक है ऑलवेज का, या फिर इसका बिल्कुल जो अपोजिट एंड पर है नेवर, या इन दोनों के बीच में जो है ऑफन, इस टाइप से। तो ये फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन दोस्तों देखते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया सबसे नीचे नेवर या नॉट एवर, जैसा कि आप मीनिंग से देख सकते हो कि जो कभी नहीं होती, ठीक है। और सबसे टॉप पर है आपके ऑलवेज, जिसके होने की दर क्या है, हमेशा है, होती रहती है। ये जो एक ग्राफ है इसके अंदर एक छोटा सा हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी एडवर्ब्स हैं जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे यूज में आती है। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज से थोड़ा कम, या जो अपन कह सकते हैं नॉर्मल पैटर्न है उसके अंदर हम देखते हैं या तो आती है नॉर्मली या फिर रेगुलरली यूजुअली, ठीक है। नोटिस करना आप ऑलवेज और नेवर के अलावा अपन जो यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स वो सब एलवाई फॉर्म के अंदर आ रही है। जो इनसे थोड़ा कम है, जिनका जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मली या रेगुलरली से थोड़ी सी कम हमें बतानी हो तब हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली या फिर ऑफन। थोड़ा और जब हम फ्रीक्वेंसी की दर और कम कर देते हैं, जो इससे कम होती है वो है ऑकेजनली, ठीक है। ऑकेजनली का मतलब हिंदी में जैसे अपन कहते हैं कभी कभार होने वाली, और इससे कम लेकिन जो होती है, नेवर का मतलब जो कभी नहीं होती है, ऑलवेज का मतलब जो हमेशा होती है। तो ऑकेजनली और नेवर के बीच में अपने पास आता है हार्डली एवर, रेयरली या स्केयर्सली। तो देखिए ये हमारे पास एक तरह से एक टेबल है, चाहे आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, नेवर, नेवर के बाद रेयरली, फिर ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली या ऑफन, और फिर नॉर्मली और फिर ऑलवेज। इस टेबल से हमें आइडिया हो लगता है कि किस टाइप के सेंटेंस में हमें जो बेसिक बताना है कि वो पर्टिकुलर जो इवेंट है, वो पर्टिकुलर जो एक्शन है, उसके होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एक चीज तो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें ये ध्यान रखने की है। दूसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो बात है इन एडवर्ब से जुड़ी हुई वो है इनकी पोजिशन। इनकी पोजीशन कहां कहां होती है, देखिए दोस्तों जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो उन फ्यू एडवर्ब टाइप्स में से है जिनकी जो पोजीशन है काफी डिपेंड करती है कि आपका वर्ब कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप
केवल सेंटेंस के अंदर बी वर्ब का यूज कर रहे हैं। ओके, बी वर्ब का मतलब अगर सेंटेंस की मेन वर्ब ही इज या आर या एम या वाज वर है, ओके, तब क्या होगा, तब इनकी पोजीशन होगी इस बी वर्ब के बाद में। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज ऑलवेज लेट। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी वर्ब है वो क्या है, वो है इज, और हमने जो एडवर्ब लगाई है वो कहां लगाई है, इस वर्ब के बाद लगाई है। या फिर एक और एग्जांपल लें, दे वर ऑफन लेट। वापिस से हम देख सकते हैं यहां पर जो आपकी वर्ब है मेन वो क्या है, वर है, और फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब ऑफन है। दोनों ही केस के अंदर आप देख सकते हो कि हमने कहां लगाया है, इसको वर्ब के बाद लगाया है। चलिए नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा ये है कि हमारे पास बी के अलावा कोई और वर्ब हो, तो उसमें एडवर्ब ये पहले होती है और उसके बाद आपकी वर्ब आती है। यू कैन सी हमने बिल्कुल रिवर्स कर दिया है, पहले के अंदर बी में वर्ब पहले और एडवर्ब बाद में, और इसके अंदर एडवर्ब पहले और वर्ब बाद में। एग्जाम्पल देखें हम, ही नेवर आस्क फॉर एनीथिंग, दे ऑलवेज Give reply. अब आप देखिए दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये आपकी वर्ब है और ये यहां पर एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी वर्ब है और ये एडवर्ब है। इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले आपके एडवर्ब आ रही है और उसके बाद में वर्ब आ रही है। तीसरा सिनेरियो देखते हैं, सेंटेंस के अंदर जो हो सकता है उसके अंदर क्या हो सकता है, एक सेंटेंस में सिर्फ वर्ब ना हो और उसके साथ क्या हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो। हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है तो एडवर्ब इन दोनों के बीच में रहे, समझे। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब इन दोनों के बीच में। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही हैज ऑलवेज फिनिश द वर्क, शी इज नेवर गेटिंग दिस लेटर। आपने से बहुत सारे सोचे होंगे कि ये शी इज नेवर गेटिंग दिस लेटर, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही है क्या, मैंने कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज करा है आईएनजी फॉर्म के अंदर, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सेंटेंस, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसका मतलब होता है कि एक स्पीकर एक तरह से प्रॉमिस कर रहा है कि ये ऐसा इसके साथ नहीं होगा। चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, शी विल नेवर गेट दिस लेटर एंड शी इज नेवर गेटिंग दिस लेटर। स्पीकर की जो इंटेंशन है उसमें बड़ा अंतर है। शी विल नेवर गेट दिस लेटर एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर स्पीकर का डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है या उसका इंटेंशन दिखाई दे रहा है, वो हम देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब, आप देख सकते हैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां पर मेन वर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बीच में लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां पर मेन वर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां बीच में लगी हुई है। तो ये तीन जो पोजीशन है ये बड़े ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी की और पोजीशन की, वो इस वजह से हो सकती है। अच्छा, साथ में हम बात कर लेते हैं कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा एडवर्ब हो, हमने देख लिया है एडवर्ब ऑफ मैनर देख ली, हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस देख ली है, मैनर की हम बात कर चुके हैं, प्लेस की बात हम कर चुके हैं और टाइम की बात कर चुके हैं। तो दोस्तों ये एम
और पी और टी, बस यही आपको ध्यान रखना है। जब एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा टाइप की एडवर्ब हो, मैनर की हो, प्लेस की हो, टाइम की हो, तो उनका ऑर्डर भी इसी तरह से रहता है। सबसे पहले मैनर की आती है, उसके बाद प्लेस की आती है, और उसके बाद टाइम की आती है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। शी केम हरेडली हेयर टुडे। ओके, या एक और सेंटेंस अगर हम इसमें देखें, शी कॉल्स मी लाउडली एवरी डे। कॉल्स कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, किसी भी सेंस में। आप यहां पर देख सकते हो कि तीन एडवर्ब यूज करी हुई है, हाउ हरिडली, वेयर एयर व्हेन टुडे। या फिर हम दूसरा अगर इसका एग्जांपल देखें तो फिर हाउ लाउडली वेयर एयर व्हेन एवरीडे एनपीटी। अच्छा, एक और चीज, ये तो बात हुई अलग अलग टाइप की एडवर्ब्स हो तो उनको हमें कैसे रखना है। समटाइम्स एक ही टाइप की दो एडवर्ब हो सकता है, टाइम के दो रेफरेंस हो सकते हैं, प्लेस के दो रेफरेंस हो सकते हैं, तब उस समय हमें क्या ध्यान रखना है, किसी भी टाइप की एडवर्ब हो उसके अंदर अगर एक से ज्यादा सिमिलर रेफरेंस हो तो उनका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉलर टू बिगर यूनिट, चाहे वो टाइम की हो चाहे वो प्लेस की हो। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन जयपुर इन राजस्थान। यहां देख सकते हैं आप, दो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की यूज हमने ये की है। जयपुर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। राजस्थान, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। पहले स्मॉलर यूनिट और फिर उसके बाद उससे बिगर यूनिट। तो ये जो बेसिक थोड़ी सी चीजें हैं इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैंने एडवर्ब जब टॉपिक स्टार्ट करा था तब भी हमने ये बात डिस्कस करी थी। एडवर्ब उन यूनिट्स में से एक है, एडवर्ब उन एलिमेंट्स में से एक है जो बड़े ही मोबाइल है। इसका कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो पोजिशन मैंने आपको बताई एडवर्ब हमेशा उसी पोजिशन में रहे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन बिगिन अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब, वी कैन एंड एन सेंटेंस विद एन एडवर्ब। उससे सिर्फ क्या होता है, फोकस चेंज हो जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। टुडे दे कॉल अस, ओके, दे कॉल अस टुडे। जो नॉर्मल पोजीशन है एडवर्ब ऑफ टाइम की वो क्या होती है, हमेशा लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा, सेंटेंस के बिगनिंग में रख दिया। ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली, मीनिंग वाइज, दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे हैं। देयर इज नो चेंज आइदर इन देयर ग्रामर यूनिट और आइदर इन देयर मीनिंग। लेकिन जो अंतर है वो अंतर कहां पर है, फोकस। हमारा जो टुडे दे कॉल्ड अस, फोकस इज ऑन द डे कि ओके दिस इज डे व्हेन दे हैव फाइनली कॉल्ड अस, जबकि ये जो है इट द टोटल फोकस इज ऑन द एक्शन और ऑन द सब्जेक्ट। तो इस तरह से इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दे ओकेजनली विजिट अस, दे विजिट अस ओकेजनली एंड ओकेजनली दे विजिट अस। यू कैन नोटिस जो एक ट्रेडिशनल है फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब की पोजीशन होती है वो यहां पर है वर्ब से पहले, लेकिन हम देख सकते हैं यहां पर एंड ऑफ द सेंटेंस एंड यहां पर बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस।
कोई भी एडवर्ब जब सेंटेंस के बिगनिंग में आती है दोस्तों, तब हमेशा उसका पर्पज जो होता है वो फोकस करना होता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर एडवर्ब के ऊपर, अदरवाइज एंड में रखना या फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि ऑलवेज या नेवर, ये कुछ ऐसी एडवर्ब है जिनको हम जनरली सेंटर पोजिशन में देते हैं, जो प्रेडिकेट के साथ हम उनको रखते हैं, लेकिन बाकी जो रेगुलरली अकेजनली, इनको हम क्या कर सकते हैं आगे पीछे या जनरली एंड ऑफ द सेंटेंस में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बात फ्रीक्वेंसी की, कुछ एडवर्ब्स की। दोस्तों इसके साथ ही कुछ बड़ी ही स्पेशल एडवर्ब्स हैं, उनके मीनिंग बड़े ही स्पेसिफिक हैं और प्राय जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं के बीच में या तो कंफ्यूज रहते हैं या कई बार उनका मीनिंग वो पर्टिकुलरली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, इस वजह से एरर कर देते हैं। हम एक दो कुछ ऐसी एरर्स, एक दो ऐसे एडवर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं, खासकर ये टाइम से रिलेटेड एडवर्ब है। तो पहली जो एडवर्ब हम बात करने वाले हैं वो है स्टिल। देखिए सबसे बड़ी बात, स्टिल एक एडजेक्टिव भी है। इस जब एक एडजेक्टिव के रूप में स्टिल यूज होता है तो इसका मतलब होता है विदाउट मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट। तब तो ये हो गया एडजेक्टिव, जैसे ही वाज सिटिंग स्टिल, यहां पर ये एक एडजेक्टिव है। In which manner, किस ढंग से बैठा हुआ था, विदाउट एनी मूवमेंट। एक जो स्टिल है वो आपके है एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज करते हैं तो जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक तो काम आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। आई होप आप सभी जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर किसी तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और एफर्मेटिव सेंटेंस किसी तरह का assertion पॉजिटिव वे में किया जाता है। तो पहली बात तो ये होता है कि ये यूज करे जाते हैं इंटरोगेटिव और एफर्मेटिव के अंदर। इसका जो बेसिक मीनिंग होता है स्टिल का, ये ध्यान से सुनिएगा, वो उसका सेंस होता है कंटिन्यूटी का। कोई जो वर्क है वो कंटिन्यूटी के अंदर अभी भी चल रहा है, वो वर्क अभी भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे ही इज स्टिल स्लीपिंग, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर एक्शन है स्लीप, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग जब ये सेंटेंस बोला गया उस समय कंटिन्यू ये काम चल रहा है। जरूरी नहीं है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ही यूज हो, हम इसको परफेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। दे हैव स्टिल नॉट रिप्लाई। यहां पर देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस में भी इसको यूज करा है, जनरली येट का यूज करना चाहिए लेकिन कभी कभी ये बताने के लिए जहां फोकस ये है कि वी हैव आस्क्ड देम टू थ्री टाइम्स, दो तीन बार उनसे बात हो चुकी है बट दे हैव नॉट स्टिल नॉट रिप्लाइड। तो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं या सिर्फ बी वर्ब के साथ, ही इज स्टिल इन ऑफिस। यहां पर स्टेट बता रहा है, एक्शन की बजाय स्टेट बता रहा है कि ये जो पर्सन है स्टिल कंटिन्यू मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक वो कहां पर है, ऑफिस के अंदर ही है। और जो स्टिल का जो रूल है पोजीशन का वो सेम है जैसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का है। अगर सिर्फ वर्ब है बी तो ये उसके बाद आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो ये उन दोनों के बीच में आएगा, या फिर कोई और ऐसी वर्ब है बी के अलावा तो वो उससे पहले आएगा। चलिए जो ये मैंने यूज करा स्टिल नॉट, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला वैसे तो नेगेटिव के अंदर हम येट को यूज करते हैं, अभी उसको डिस्कस करेंगे। जब हम स्टिल को यूज करते हैं तो हमारा जो इंटेंशन होता है वो हमारा डिससेटिस्फेक्शन शो करने का होता है, तभी हम इसको यूज करते हैं। स्टिल का जो अपोजिट है
वो है दोस्तों येट। येट जैसे मैंने आपको बताया ये यूज होता है आपके या तो इंटरोगेटिव के अंदर और या नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ये मेन डिफरेंस है स्टिल और येट के बीच में कि येट को हम स्टिल के मीनिंग के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। जैसे हैवंट यू सीन इट येट, इसका मतलब अभी तक नहीं। कंटिन्यूटी का सेंस मतलब मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक जो स्पीकर था वो शो कर रहा है कि वो पर्टिकुलर टास्क वो पर्टिकुलर एक्शन नहीं किया गया है। जैसे हैव दे डिसाइडेड येट, या फिर ही हैजंट येट रिप्लाई। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हम देख सकते हैं किस तरह से, देखिए जो क्वेश्चन है वहां पर येट की पोजीशन आप नोट करें, वहां पर येट हमेशा क्या होता है सेंटेंस के एंड के अंदर आता है, लेकिन अदरवाइज अगर एक नेगेटिव सेंटेंस है तब उसकी पोजीशन टिपिकली जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में वहां पर होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये चीजें कहाँ पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन जो फॉर्मल ग्रामर होता है उसके अंदर दे मैटर्स अलॉट और दे मैटर अलॉट, और उसकी वजह से जो आपका ग्रामर पर पकड़ है वो मजबूत होती रहती है। इसी तरह की बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें, इसी तरह के और कुछ एडवर्ब्स को हम आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।